नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं उन्हें जाकर देखिए, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शीन हॉल के बारे में। रिसेंटली मैंने शीन पर ऑर्डर प्लेस किया था और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं मैंने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला प्रोडक्ट है ये एक्चुअली दो पीस मंगाए मैंने। ये डेकोरेटिव आइटम है और आज की वीडियो में आपको काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स मिलेंगे। और मैंने ये परचेज किया है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो फेरी लाइट्स होती हैं वो दिखेगा, और ये कुछ ऐसा दिखता है। क्वालिटी इसकी ठीक है और इसे मैं डेफिनेटली जलाऊंगी, आई मीन लाइट अप करूंगी, और मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि ये कैसा निकला। वैसे आई एम नॉट श्योर कि ये एकदम से अभी जल पाएगा, क्योंकि इसके अंदर सेल डालना होगा मेरे हिसाब से, तो उसके बाद ही पता लग पाएगा। और मैंने ये दो पीसेस परचेस किए थे, और ये ना एक्चुअली लड़ी जैसी है, जैसे ये लगा हुआ ना सीरीज बल्ब, वैसे ही इसको आप लगा सकते हैं। और इस लड़ी के साथ आपको टी लाइट भी मिल रहा है, तो उसी के अंदर ये लगा हुआ है, तो कुछ ऐसा दिखता है ये। नेक्स्ट अप है ये है प्रिटी माइंड का प्रोडक्ट, और ये कुछ ऐसा दिखता है। ये भी डेकोरेटिव पीस है और ये यूएसबी इनेबल्ड है। ये एक्चुअली एफिल टार है। अभी मैं इसे ओपन करती हूँ, और ये ना ये आपको यूएसबी इनेबल्ड है, तो ये इसको इसके ऊपर रखना होगा और ये पूरा जल जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ऑनलाइन देखने पर, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया। और ये यूनिट ऐसे दिखती है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्वालिटी वाइज तो अच्छा है और प्राइस वाइज मुझे ठीक लगा, सस्ता नहीं था, पर मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे पिक किया। ये कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर आपको इसे रखना होगा। और ये वायर जो है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, और ओवरऑल ये जो पीस है ये मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट अप है ये क्या है भाई, बाहर से देखने में पता नहीं चल रहा था, वैसे तो ये है टी लाइट है। और पैर है ये, जैसे दो पैर रेड के हैं, दो सिल्वर के हैं और गोल्डन के लिए, तो इन टोटल थ्री पैर ले मुझे। ट्राई दिस, इसके अंदर सेल तो है पर ये देखो, ओप्स आई मेस्ड इट अप, वो तो मैं बाद में ठीक करूँगी। और क्वालिटी आप जैसे देख ही रहे हैं कि इतनी अच्छी नहीं है, नॉट श्योर वाई। ट्राई तो कर सकते हैं, तो ट्राई कर तो रही हूँ मैं, लेट मी सी, आई एम एट मिस्टेक। हाँ ये कुछ ऐसा दिखता है, वाह वो तो हाथ में ही आ गया था भाई। ये एक्चुअली ये स्टॉपर लगा हुआ था, तो काफ़ी पावरफुल डी लाइट है ये, आई मस्ट से वाह काफ़ी अच्छा है। आई डोंट नो, मैं सबकी क्वालिटी पर तो कमेंट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इसके ऊपर डेफिनेटली हाथ में ही आ गया एक ही बार में, दम भी नहीं लगाना पड़ा मुझे। तो इसका तो कुछ तो निकल के गिरा है इधर पे, आई हैव टू सर्च इट। ये आवाज़ भी आ रही होगी आपको, समथिंग इज रॉन्ग, ये डिफेक्टिव पीस है। अदरवाइज क्वालिटी वाइज यस इट्स नॉट दैट ग्रेट, पर क्यूट लग रहा था मुझे इसलिए मैंने इसे परचेज किया। एंड आई हैव टेकन दिस आउट, नाउ लेट्स डू इट। सुंदर है ये, सॉरी फॉर ब्लाइंडिंग यू, पर मुझे ये बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट अप है ये अगेन, ये टी लाइट्स हैं। ये पूरी गोल्डन का सेट है, इसलिए मैंने इसे परचेज कर लिया, और क्रिसमस भी आने वाला है तो इसलिए मैंने सोचा कि परचेज कर लेती हूँ, इसलिए मैंने इसे परचेज किया। काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिखता है,
and again I've taken that out. Let us let it. ये कुछ कम पावरफुल लग रहा है ना उस वाले से, पर ठीक है, इट इज मोर और लेस सेम लाइक द अदर वन. मुझे ठीक लगा ये, और कितना सुंदर लग रहा है, क्वालिटी अच्छी है. देखिए शिमर्स हाथ में नहीं आ रहे ना, काफ़ी अच्छा है. इसकी क्वालिटी ठीक है, पर संभव वो पहले वाला जो मैंने खोला ना उसका मुझे पता नहीं मैंने क्या किया. मे बी मैंने ज़्यादा जोर लगा दिया कि उसकी वायरिंग से ही ला डाली मैंने. नेक्स्ट अप है ये, देखिए क्या है ये, काफ़ी अच्छे से पैक है यार. अब उसे खोलना पड़ेगा, उसके लिए मुझे काफ़ी ये यार मौके पे कैची में इधर उधर कर देती हूँ यार. क्या है मुझे ध्यान नहीं है, ना ही ऊपर से कुछ समझ आया. देखो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कुछ लिखा है. मा लियन स्किन फ्रेंडली कॉटन पैक, ओके मैं ध्यान नहीं करती. ओके तो ये कॉटन पैड्स हैं, क्योंकि यूजुअली मैं मेकअप अप्लाई करती ही हूँ हर दूसरे दिन, तो मैंने सोचा कि ऐसे कॉटन पैड्स जो हैं वो हैंडी होते हैं, इसलिए मैंने ये पूरा पैक ही परचेज़ कर लिया है. एंड इट इज़ लुकिंग नाइस. अभी तो बाकी यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा भाई कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी नहीं है. नो कुछ कॉटन पैड्स होते हैं जो पूरा फेस पे चिपक जाते हैं और अच्छे से मेकअप रिमूव नहीं करते हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस. भाई ये एक और मिनिएचर है, और आपको पता चल ही गया होगा कि मुझे पैरिस जाने का कितना मन कर रहा है. काफ़ी प्यारा लग रहा था मुझे ये पिंक कलर का मिनिएचर, ऐसा दिखता है ये, और काफ़ी सुंदर है ये, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया. काफ़ी क्यूट लग रहा था मुझे ये ऑनलाइन देखने पर, और ऐसा कुछ मेरे पास था भी नहीं, तो मैंने इसलिए इसे परचेज़ किया. नेक्स्ट अप है ये अलग अलग आए हैं, और आपको ये दिख रहा होगा कि ये ऐसा पेयर ही मैं यूज़ करने वाली हूँ. काफ़ी क्यूट लगा मुझे ये, अगेन पिंक, मुझे पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है अनडाउटेडली, एज यू कैन सी क्लियरली. ये पता नहीं लग तो रहा प्लास्टिक है, कुछ अलग सा ही है भाई इसका मटेरियल, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, पर जो कुछ भी है इट इज़ लुकिंग लाइक दिस. क्यूट है ना ये, ऐसा दिखता है, काफ़ी छोटा है पर बहुत प्यारा है, मुझे अच्छा लगा, और ये काफ़ी क्यूट है. दूसरे वाले भी खोल के दिखाते हैं. यूजुअली मैं डेकोरेटिव पीसेस इतने ज़्यादा खरीदती नहीं, पता नहीं इस बार मैं मन कर रहा था कि कहीं से डेकोरेटिव पीसेस मैं खरीदूँ. यू नो क्यूट है, क्यूट. नेक्स्ट अप है ये फेस में है, और ट्रैवल टाइम पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं. मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने पर, क्लासी लग रहा था, इसलिए मैंने इसे परचेज किया. और मेरे पास है फेस मिरर्स, पर फिर मुझे ये अच्छा लग गया ऑनलाइन देखने पर, इसलिए मैंने इसे पिक किया. जस्ट लुक एट दैट, रोज गोल्ड है ये, इसकी फिनिशिंग अच्छी है, काफ़ी स्मूद है. वाह, प्रेस ओपन, मिरर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी. काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, और अच्छे से बंद भी होता है ये. अब जो सामान मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सारे के सारे इयररिंग्स हैं, और मैंने काफ़ी इयररिंग्स परचेज किए हैं. सबसे पहला इयररिंग है ये, और पीछे कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी अच्छा साइज है ये, और मुझे लगता है ये मेरे फेस को सूट भी करेगा. काफ़ी डेंटी पीस है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, चीप नहीं लग रहा है. जस्ट लुक एट दैट, इसका जो स्टॉपर है कुछ ऐसा दिखता है, मुझे ये अच्छा लगा. ये एक्चुअली पार्टी सीजन भी चल रहा है, तो डेफिनेटली मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ. नेक्स्ट अप है ये अगेन एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पैर है. जस्ट लुक एट दैट यार, कितना ज़्यादा सुंदर है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होगी. मुझे पता है कि शीन पर जो इयरिंग्स अभी तक मैं परचेज़ करती आ रही हूँ उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको अच्छी मिल जाए. तो आई हैड
फेयर एक्सपेक्टेशंस कि ये ठीक है, ठीक क्वालिटी का होगा, पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगेन ये आप अपने वेस्टर्न वेयर के साथ आराम से पैर अप कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगेगा ये। नेक्स्ट अप है ये सिल्वर रिंग्स है और काफ़ी अच्छा पैर है, ये कलरफुल है ना, ये क्यूट लग रहा है ये, जस्ट लुक एट दैट अमेजिंग। और प्रॉपर जो वो ऐसा दिखता है, ये इयर रिंग कितना सुंदर लग रहा है। एथनिक वेयर के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा, इंडो वेस्टर्न के साथ भी ये जो इयर रिंग का पैर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्वालिटी अच्छी है और इतने ज़्यादा छन नहीं करें, विच इज़ फाइन। कटरी भी होते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर ओवरऑल इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जस्ट लुक एट द डिज़ाइन, कितना अच्छा लग रहा है, और कलर की जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छी है, और इसका जो क्वालिटी है वो अच्छा है, हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। सो नेक्स्ट अप है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाला इयर रिंग है। ये ऑरेंज कलर में भी था और मुझे ये पिंक ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे पिक किया। जस्ट लुक एट दैट, कितना सुंदर है ना, और ये पीकॉक इंस्पायर्ड डिज़ाइन लग रहा है मुझे, और काफ़ी सुंदर लग रहा है यार, इट्स लुकिंग स्टनिंग। और काफ़ी लाइट वेट भी है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये काफ़ी लाइट वेट है, और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अगेन ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट अप है ये झुमका है और सिल्वर सुनता है डिटेलिंग, और उसमें स्टोन भी है, जिसमें कट स्टनिंग। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इट्स सो प्रिटी यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये जो स्टोन्स हैं यहाँ पे वो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और पर्ल की डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, चीप क्वालिटी का नहीं है। जस्ट लुक एट दैट, इट इज़ लुकिंग अमेजिंग। और मुझे झुमके जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जस्ट लुक एट कितना सुंदर लग रहा है, और आवाज़ कितनी अच्छी कर रहा है। अगर आपको भी झुमके पसंद है तो डेफिनेटली यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई। नेक्स्ट अप है ये इयर रिंग है और ऐसा दिखता है, काफ़ी क्लासी है यार, काफ़ी डिफरेंट है, ऐसा जो इयर रिंग है मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, एंड इट इज़ सो प्रिटी, जस्ट लुक एट दैट, वाओ। इसका जो स्टॉपर वो ऐसा दिखता है, और इयर रिंग जो है वो ऐसे दिखती है, और ये पैर तो ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल है, आई रियली लव इट। कितना सुंदर लग रहा है, कितना डेंटी पीस लग रहा है ना, और घुंघरू जो है वो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है ना, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और काफ़ी लाइट वेट, एकदम भारी नहीं है कि कान जो है सहना पाए इसका भार। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये, और ये आपके एथनिक वेयर पे कितना अच्छा लगेगा, वाओ। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ये कितना सुंदर है, और आप इसे बहुत सारे आउटफिट्स के साथ पेयर अप कर सकते हैं, स्पेशली रेड और ब्लैक आउटफिट्स के साथ, वाओ। आई लव इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने पास है ये अगेन ये इयर रिंग है, और ये कुछ ऐसा दिखता है, काफी सुंदर है यार ये, वाओ। देखो इस बार एक पैटर्न है, एक तो पेरिस और दूसरा पीकॉक है, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ऐसा इयर रिंग, क्योंकि मेरे पास ऐसा इयर रिंग बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी डिटेलिंग कितनी ज़्यादा सुंदर है, ब्लैक गोल्डन और वाइट पर्ल्स यहाँ पे कितने अच्छे लग रहे हैं, और वो मोर जो है वो कितना क्यूट लग रहा है यार, रियली नाइस। और सबसे अच्छी बात, ये जितने भी इयरिंग्स आपको मैंने दिखाए हैं उसकी यही है कि ये काफ़ी लाइट वेट हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, आई हैव नो डाउट ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, क्योंकि मैं शीन से पहली बार नहीं परचेज कर रही हूँ ये इयरिंग्स, या पहले भी मैंने शीन से बहुत सारे इयरिंग्स परचेज किए हुए हैं, और मैं अपनी डे टू डे लाइफ में भी उसे यूज़ करती हूँ। इवन ये वाला जो इयरिंग पहना है वो भी शीन का ही है, पर मेरा बस इतना कहना है कि ये जो इयरिंग्स हैं इंडियन टच के हैं या फिर एशियन टच के हैं, और इनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मे बी ये लोग इम्पोर्ट कर रहे हों, मुझे पता नहीं, जो कुछ भी है, पर ये जितने भी इयरिंग्स मैंने आपको दिखाए हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, देखो ये तो कितना भारी होना चाहिए, क्योंकि ये देखो
कितना ज़्यादा बड़ा है, पर फिर भी ये जो है काफ़ी लाइट वेट है ना, आई एब्सोल्युटली एंजॉय सच सॉर्ट ऑफ ईयरिंग्स। तो ओवरऑल मेरा जो शॉपिंग एक्सपीरियंस रहा या फिर जो सामान मेरे हाथ में आया है अभी, वो सब देख कर तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। नेक्स्ट अप है ये, और काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये। इसके जो स्टॉपर्स हैं वो ये है, ये ऐसे तो दिखेंगे नहीं, पर हाँ इसके स्टॉपर्स भी अच्छे हैं। पहले मैं इयर रिंग दिखा देती हूँ। तो टाइनी है ना, और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। टर्कोइज ब्लू कलर का है इसका जो यहाँ फ्लावर डिटेलिंग है ये, और ये स्टोन्स हैं। काफ़ी अच्छा और सुंदर है ये। मेरा राउंड फेस है ना, तो उस पर ऐसे लंबे वाले इयर रिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ऑनलाइन देखने पर ही अच्छा लग रहा था मुझे। और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, पीछे कुछ ऐसा दिखता है। क्वालिटी वाइज काफ़ी लाइट वेट है एमएस से, और साइज़ वाइज भी ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट अप इज दिस वन, और ये वाओ, ये बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा है यार। मुझे तो लगा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, जस्ट लुक एट इट। और इसका जो साइज़ है वो कुछ ऐसा है, और पार्टी वेयर के साथ आप इसे अप्रोप्रिएटली पैर अप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। जो स्टोन की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, और ओवरऑल मुझे इयर रिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। नेक्स्ट अप है ये, और अगर अभी तक आपने नोटिस नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी स्काई ब्लू कलर के जो इयर रिंग्स थे ना, वो मैंने मंगाए हैं। ऐसे इयर रिंग्स मेरे पास है नहीं यार, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मंगा लिया जाए, और इसलिए मैंने स्काई ब्लू कलर के या टर्कोइज कलर के इयर रिंग्स परचेज़ किए हैं। और यहाँ पर ओके, यहाँ पर दो, आई थिंक बाई मिस्टेक यहाँ पे दो लगा दिए, यहाँ का एक मिसिंग है, पर कोई नहीं। ओवरऑल ये इयर रिंग कुछ ऐसा दिखता है। ओह नो, सब में दो दो लगे हैं वैसे। अच्छा, तो यानी कि यहाँ का मिसिंग है, बेसिकली डिफेक्टिव पीस है, पर ओवरऑल ये इयर रिंग बहुत अच्छी है। सेम इयर रिंग मेरे पास वाइट कलर की भी है, और इसलिए मैंने इस पैटर्न के इयर रिंग को परचेज़ किया। काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे इयर रिंग, और ये काफ़ी हल्का भी है, लाइट वेट है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। नेक्स्ट अप है ये झुमकी है, और कुछ ऐसी दिखती है, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। और सेम झुमकी मेरे पास इस कलर में भी है, तो कुछ ऐसा दिखता है, और काफ़ी अच्छा है। और क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और साइज वाइज ऐसा है। और झुमके के जो घुंघरू हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, पर्ल डिटेलिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे, कलर वाइज भी ये इयर रिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड सेम गोज फॉर दिस वन। तो ये दोनों इयर रिंग्स काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट अप है ये काफ़ी अलग सा लगा मुझे इयर रिंग, ऐसा इयर रिंग मेरे पास डेफिनेटली नहीं है। और इस वीडियो में आप मुझे काफ़ी बार कहते हुए सुनेंगे कि मेरे पास ऐसी इयर रिंग्स नहीं है, क्योंकि काफ़ी इयर रिंग्स जो है पैटर्न वाइज पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ, और ये पर्ल डिटेलिंग की इतनी प्यारी और एलिगेंट इयर रिंग मुझे दिखी, और मैंने इसे इसीलिए परचेज़ की क्योंकि काफ़ी एलिगेंट लग रही है, काफ़ी यूनिक भी है ये डिज़ाइन वाइज अगर मैं बात करूँ। और ये फ़िलहाल ये अटक गए, लेट मी जस्ट फिगर इट आउट, अभी ठीक है मैं बाद में करती हूँ फिगर आउट। लेकिन ओवरऑल ये इयर रिंग जो है ये अच्छा है, और इसकी पेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे मैंने जिस तरह से लगा रखा है वही प्रॉब्लमेटिक है, पर अदरवाइज ये इयर रिंग मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप मुझे अच्छा देखो, वो ठीक हो गया अपने आप ही। ये देखो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पैर कैसा लगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास है ये वाला पैर, देखें क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये इयर रिंग तो है ही, इसके साथ इयर रिंग भी है, सो इस तरह का सेट है ये, और इसीलिए मैंने इसे पिक किया क्योंकि ये सेट बहुत अच्छा लग रहा था। ये इयर रिंग कितनी सुंदर है, इसकी जो स्टोन डिटेल है वो कितना अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, और घुंघरू भी अच्छा है, और ये रिंग जो है ये ऐसा दिखता है। लेट मी वेयर दिस, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एंड ओवरऑल ये कुछ ऐसा दिखता है। और क्वालिटी वाइज एज यूजुअल आई बीन सेइंग थ्रू आउट द वीडियो, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्वालिटी, और जो पैटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा है,
और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे। मैं जल्दी मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।